सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रैल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में और केदार घाटी के उखीमठ गांव से। तो अभी सुबह की 5:30 हो रही है, मैं और किसु उठ गए हैं। मैं तो कॉलेज के लिए रेडी हो गई हूँ, बाकी अभी बाल बनाने हैं मैंने, और किसु भी यहाँ पर रेडी हो गई है। किसु ने तो कॉलेज की ड्रेस नहीं ला रखी, बाकी विदाउट जा रही है, और गुल्ली वहाँ पर सो रखी है। अभी बाहर देख सकते हैं उजाला भी होने वाला है। मैं बाल बना लेती हूँ, बाकी की सुबह यहाँ पर लगी हुई है तैयार होने पे, फिर मिलते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों अभी हम कॉलेज के लिए रेडी हो गए हैं और किसु भी हो गई है रेडी। मेरी माँ हमें सुबह सुबह रूम पर लेके आई हैं चाय और बंद। तो चाय और बंद का आनंद लेते हैं सुबह सुबह, और सुबह सुबह चाय पीने का तो अलग ही मजा है। गुड मॉर्निंग है चाय और चाय का मजा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को। तो ये रही यहाँ पे बड़ी माँ। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अब कॉलेज, बाकी किसु भी फ्री है और देखते हैं बस मिलेगी तो बस में जाएंगे कुंड तक, वरना पैदल ही जाएंगे हम कॉलेज तक। सुबह सुबह का व्यू आप लोग देख सकते हैं उखीमठ का, बहुत ही प्यारा व्यू है। आसमान में तो काले बादल छाए रखे हैं और हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। आजकल पहाड़ों में ज़्यादातर बारिश ही हो रही है, और बारिश बारिश के कारण काफ़ी घटनाएं आप लोगों को सुनने को मिलती होगी केदार घाटी से। तो पहले स्टेशन चलते हैं, देखते हैं वहाँ गाड़ी लगी होगी तो गाड़ी में जाएंगे, और बस लगी होगी तो बस में जाएंगे, नहीं तो पैदल ही जाएंगे हम। और सामने है उखीमठ स्टेशन। की बस तो चले गई है, बाकी मैं और किसु जा रहे हैं पैदल विद्यापीठ तक, पैदल ही जाएंगे हम। पैदल ना सरल ही पड़ता है, ज्यादा दूर नहीं है। नीचे है विश्वनाथ मंदिर जहाँ पूजा पाठ हो रही है, अभी 4 बजे से हो रही थी पूजा पाठ। सामने वाली पहाड़ी का व्यू आप लोग देख सकते हो, और गुप्तकाशी में देखिए हल्का हल्का कोहरा भी छा रखा है, जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है यहाँ से। और पहाड़ों में ज़्यादातर सीढ़ी नुमा खेत होते हैं और हरे भरे खेत, और ये देखिए सामने पहाड़ियों पर कोहरा, और सामने वाली पहाड़ियों पर भी कोहरा छाया हुआ है, जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। आप लोगों से एक बात कहनी थी, किसु की आप सगाई में आना आप लोग। कब है भाई सगाई? अभी तो फिक्स नहीं है यार उतना ये उस दिन से बोल ही रही है कि फिक्स नहीं है, लेकिन पक्का हो रखा है, है ना? जरूर आना, सब लोग इनवाइट, आप लोग भी इनवाइट हो सगाई में। हाँ हाँ, और मुझे सपोर्ट करते रहे ना। हम पहुँच गए हैं रोड पे, और यहाँ सामने दिखाई दे रहा है उखीमठ मार्केट। रास्ते से हम अभी जा रहे हैं ना, तो शॉर्टकट रास्ता है ये, और यहाँ रास्ते में काफ़ी ज़्यादा फिसलन हो रखी है। अभी हम पहुँच गए हैं यहाँ पुल के ऊपर वाले रास्ते में, बाकी किस्तु तो आगे से जा रही है। ये नदी दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये है मंदाकिनी नदी। तो दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं अपने कॉलेज के गेट पर, और आज है हमारा सोशियोलॉजी का पेपर, तो चलते हैं, और 7 बजने के लिए 5-10 मिनट रह रखे हैं अब। तो दोस्तों मैं आप लोगों को मिलती हूँ 10 बजे, तब तक के लिए बाय। तो अभी हमारा पेपर ख़त्म हो चुका है, बाकी से कैसा रहा सोशियोलॉजी का पेपर? एकदम मस्त, एकदम गजब, मेरा अच्छा ही रहा, अच्छी वाली मेरी किस्मत ही खराब है, मैं हमेशा डांट ही खाती हूँ। खाती हूँ ना, ये हमेशा डांट ही खाती है क्लास में, क्योंकि इसका मुँह बंद ही नहीं रहता है सच में यार, क्योंकि चप्पड़ ज़्यादा करती हूँ ना मैं। और अभी काफ़ी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है,
अभी हम अपने कॉलेज से काफ़ी ऊपर आ गए हैं और अभी देखिए यहाँ मौसम कैसा हो रहा है। आसमान में काले बादल छाए हुए थे सुबह में, लेकिन अभी देखिए काले बादल वो हट चुके हैं और हल्की हल्की धूप भी लग गई है। जैसे हम चढ़ाई वाले रास्ते में जा रहे हैं ना, वैसे ही काफ़ी तेज़ धूप लग गई है और मेरे पसीना भी आ गई है। और अभी इतना सुहावना मौसम हो रखा है ना, आप लोगों को भी बताती हूँ मैं यहाँ का व्यू। तो यहाँ का जो व्यू है वो कुछ इस तरह से है और सामने दिखाई दे रहा है उखीमठ मार्केट। और यहाँ पे इतने सुंदर गुलाब खिल रखे हैं, बहुत ही खूबसूरत गुलाब खिले हुए हैं यहाँ पे। दोस्तों अभी हम आ गए हैं बुआ जी के रूम पे, तो मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। बाकी दादी जी बना रही हैं, मतलब राखी की दादी बना रही है दिन का लंच और निकिता राखी अंदर हैं। और आज मैं गुप्तगासी में हूँ क्योंकि कल है मेरा पेपर। तो दादी जी हमें दिन का लंच भी परोसने लग गई है, बाकी मुझे भी परोस दिया है यहाँ पे। दिन के लंच में है राजमा की दाल हो गई, आलू की सब्जी और चावल। तो अभी लकी भी स्कूल से आ गया है, अब लेते हैं हम सब गर्मा गर्म लंच का मजा। बाकी बुआ जी बाद में करेगी दिन का लंच। लंच भी हो गया है और अब थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए। लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मोनिका मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।